हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले 50,000 रुपये एडवांस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो को देखते हुए बनाई है जिसमें कई लोगों ने कई तरीके के सवाल पूछे, तो मुझे लगा लोगों को कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, कई LIC एजेंट्स को कई सारे सवाल हैं, कई लोगों को कई क्वेश्चन हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको कई सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 50,000 का एडवांस है क्या और ये कितना एडवांस मिलेगा और क्यों मिलेगा। उसके बाद किसे ये मिलेगा और किसे ये नहीं मिलेगा उसके हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये 50,000 रुपये जो एडवांस मिल रहा है ये कब तक मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ये कैसे मिलेगा। फिर हम कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे ये आपको मिल सकता है, इसके लिए एप्लीकेशन कहाँ करनी है, किससे बात करनी है वो आपको बताऊँगा। उसके बाद इसे अप्लाई करने की अंतिम तारीख कब है ये मैं आपको बताऊँगा, और इसको लेने के लिए किसको बात करना है वो मैं आपको बताऊँगा, और इसमें आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इस पैसे को जब आप लेंगे तो ये आपको वापस भी करना है या नहीं करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर करना है तो कब तक वापस करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा और भी आपके अगर कई सारे क्वेश्चन और सवाल होंगे तो इनको भी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, कितना और क्यों। सबसे पहले बात आती है क्या। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें LIC ऑफ इंडिया अपने LIC एजेंट्स के लिए हेल्प के रूप में इस अमाउंट को प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में आउटब्रेक किया हुआ है COVID-19 की वजह से, कम्प्लीटली नेशनल डिजास्टर इसको घोषित किया गया है, जिसकी वजह से पूरा देश लॉकडाउन है, और जो 25 मार्च से लॉकडाउन है और अभी भी आगे एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। तो इसको देखते हुए LIC ने अपने एजेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कुछ अमाउंट डिक्लेयर किया है। वो कितना है क्या है चलिए आगे जानते हैं। ये एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट ही है अपने LIC एजेंट्स के लिए जो लॉकडाउन में कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए फाइनेंशियली LIC एजेंट्स को स्टेबल करने के लिए LIC प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं बात करूं कि ये कितना मिल रहा है तो दोस्तों इसका आंसर है 50,000। ये अमाउंट 50,000 रुपये है, जैसा कि फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने इसको बोला, ये फाइनेंशियल सपोर्ट LIC एजेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट LIC ने फिक्स किया हुआ है। अब अगर बात करें क्यों, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बोला कि किया गया है, इसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि एजेंट्स भी लॉकडाउन में अंडरकवर हो गए हैं, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकते, अपनी मीटिंग्स नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम में इसका ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है। इसकी वजह से LIC इस इनिशिएटिव को अपने एजेंट्स के लिए लेके आई है। दूसरा, एजेंट्स फील्ड में एक्टिव नहीं है, फील्ड में जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना मना है, इसके लिए LIC अपने एजेंट्स के लिए 50,000 का प्रोविज़न करके लेके आई है, और फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से LIC अपने एजेंट्स को हेल्प करना चाहती है। उसके बाद बात करते हैं कि ये पैसे मिलेंगे किसे और किसे ये पैसे नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले इस 50,000 के अमाउंट को लेने के लिए केवल वही LIC एजेंट एलिजिबल है जिसकी LIC एजेंसी को 1 अप्रैल 2020 को 5 साल पूरे हो गए हैं, उसी को ये 50,000 रुपये का एडवांस LIC प्रोवाइड कर रही है। एक और सवाल जो आपका हो सकता है वो ये है कि इसमें केवल वही इस कमीशन के लिए, इस एडवांस पेमेंट के लिए एलिजिबल है जिसका पिछला फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल रिन्यूअल कमीशन था वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है, ये है क्योंकि मुझे कई लोगों के कॉल्स आई थी, उनका कहना ये था कि हमारी LIC में हमने 15-20 साल काम किया लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से काम नहीं किया, हमारी एजेंसी बंद हो गई है, इसके लिए क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा, जी नहीं कर सकते, क्योंकि केवल इनफोर्स LIC एजेंसी को ही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा गया है। अगर आपको नहीं पता इसके लिए आप
एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए आपको अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, या अपने ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट करना है, या अपने CLI को कांटेक्ट करना है, या कोई भी आपका चीफ मैनेजर ब्रांच का जो उसको कांटेक्ट करिए, कोई भी आपका जो भी सीनियर है आप उसे भी इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करें? अगर अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले एजेंट जो इसकी फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है उसको सबसे पहले अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बताना होगा, जो आपका विकास अधिकारी है या आपका ABM सेल्स ब्रांच मैनेजर, जो भी आपके सीनियर डिवीज़न के मैनेजर्स लोग हैं, आप उन्हें तुरंत पूछें कि कैसे क्या अप्लाई करना है, वो आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे। जनरल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको इनको कॉन्टैक्ट करके इनको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी एजेंसी कोड देनी होती है, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अप्लाई करने की अंतिम तारीख कब है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें डेडलाइन कई लोगों को फिक्स पता नहीं थी। इसके लिए मैं जो आपको प्रेफर करूँगा वो प्रेफर करूँगा कि आप 14 अप्रैल तक इसको अप्लाई कर दें। उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को आपको पैसा आना है, इसके लिए 14 अप्रैल तक आप कर दें। लेकिन आप 27 अप्रैल तक भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके से डेडलाइन है, इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन LIC एक्सेप्ट नहीं करेगी। आगे बात करते हैं कि किसको बात करनी है। आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को इसके लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने ब्रांच मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अपने CLI को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने चीफ मैनेजर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी आपका जो सीनियर मैनेजर है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि ये 50,000 रुपये आपको मिलेंगे कैसे। सबसे पहले ये आपको ये जानना होगा कि ये जो 50,000 रुपये आपको मिल रही है, आपको इकट्ठा 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ये आपको दो इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो 15 अप्रैल को, आपको 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आएगा, और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा 25,000 रुपये का, वो आपको 15 मई को आएगा। यानी कि पहला 25,000 रुपये 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, और जो दूसरा 25,000 का जो अमाउंट होगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी, वो 15 मई को आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये तक ही इसमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका लास्ट ईयर का रिन्यूअल कमीशन 50,000 था या नहीं, और अगर 50,000 नहीं था तो इसके लिए एलिजिबल आप नहीं हैं। जितनी भी रिकवरीज हैं वो टोटल 60% से ज़्यादा आपके रिन्यूअल कमीशन से नहीं होनी चाहिए, और अगर आप अपने LIC ऑफिस नहीं जा पा रहे तो सिंपल सा आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इसके बारे में बात करनी है। आगे बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से पैसा आता है, क्या करना है। LIC एजेंट अपने ब्रांच मैनेजर, जैसे कि मैंने बोला, अपने सीनियर से बात करके इसके लिए टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, जो भी अभी माध्यम है कांटेक्ट करने का उनके थ्रू कांटेक्ट करेंगे। जब आपका डिटेल चले जाएगा तो आपके ABM सेल्स के डिपार्टमेंट के लोग उसको डेटा को रिस्टोर करेंगे, और सारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस चीज़ को अटैच करके डिवीज़न ऑफिस भेजेगी, और डिवीज़न ऑफिस उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें अप्रूव होने के बाद डिवीज़न ऑफिस से 15 अप्रैल तक, ये यानी कि 14 अप्रैल तक चले जाएगा, और 15 अप्रैल को ये अप्रूव होकर के आ जाएगा, और डिवीज़न ऑफिस ही इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करके 50% जो भी 25,000 रुपये अमाउंट बनेगा वो NEFT के थ्रू आपके अकाउंट में 15 अप्रैल को पहला इंस्टॉलमेंट सेंड कर देगा। 50,000 रुपये कब मिलेंगे अगर इसकी हम बात करें तो, जैसे कि मैंने बोला कि 50% ऑफ एलिजिबल अमाउंट, जो पहला 25,000 रुपये है वो 15 अप्रैल को सेंड किया जाएगा, और बाकी जो 50% जो बचता है 25,000 रुपये का अमाउंट, वो 15 मई को आपके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि हम बात करने वाले हैं कि इस पर कोई इंटरेस्ट भी लग रहा है क्या, कितना ब्याज लग रहा है, क्या लग रहा है। इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं धन्यवाद करता हूँ LIC कॉरपोरेशन को जिसने अपने एजेंट्स के लिए इतनी बड़ी हेल्प की है, और वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री ये आपको एडवांस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर बात करें इस पैसे को रिटर्न करने की, तो ये पैसा ज़रूर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है। अक्टूबर 2020 यानी कि आज से 6 महीने बाद आपकी 50,000 रुपये की रिकवरी LIC
ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन वो 24 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, यानी कि 2 साल में वो रिकवरी की जाएगी, जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से कटेगा, जो आपके रिन्यूअल अमाउंट से, रिन्यूअल कमीशन से, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जब आपका कमीशन आएगा उससे आपका जो भी महीने का इंस्टॉलमेंट बनेगा 24 महीने की ईएमआई में, वो कट जाया करेगा। तो इस तरीके से ही आपको वापस करना है, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट इसमें आपको देना नहीं है। तो ये थी कुछ सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछे थे, जिनका आंसर देने की मैंने यहाँ पर आपको कोशिश की है। इसमें कई और क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं। सबसे पहला आपको ये समझना होगा कि ये आपको 14 अप्रैल तक अप्लाई करना है। पहली इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 मई को आएगी। इस तरीके से आपको ये पैसा NEFT के थ्रू ऑनलाइन आपके अकाउंट में, जिसमें आपका कमीशन आता है उसमें, ऑटोमेटिकली LIC डिवीज़न ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से डिवीज़न ऑफिस को आपको 14 अप्रैल तक एट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कर देनी है अपनी एप्लीकेशन, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर को इन्फॉर्म करके, ताकि डेवलपमेंट आपकी कंसोलिडेटेड शीट बना करके उसको अप्रूव करके आपका एडवांस कमीशन इसमें प्रोवाइड कर दें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि केवल इन्फोर्स एजेंसी को ही ये कमीशन दिया जा रहा है, और जिसका लास्ट ईयर का रिन्यूअल कमीशन 50,000 रुपये से ज़्यादा है, और आपकी LIC एजेंसी अगर 5 साल से ज़्यादा है तो भी इसमें आपको मिल सकता है। अब एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल आपका एक और हो सकता है, जिसको मैं यहाँ पर कवर करूँगा, वो स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा होगा। वो ये है कि जिस एजेंट को 5 साल की टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, और जो लाइफ में एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है, जिसको एक्चुअली पैसे की ज़रूरत है, उसको LIC क्यों नहीं दे रही है। इसका जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ, हमने अपने डिवीज़न ऑफिस को एक पेटिशन फाइल की है, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जिन एजेंट्स को 5 साल से कम हुए हैं उनको भी अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि असल में ज़रूरत उन्हें भी है, और कोरोना वायरस से लड़ रहे सभी मेरे अभिकर्ता साथियों को भी इस पैसे की ज़रूरत है। तो इस पर भी डिसीजन पेंडिंग है, जैसे भी अपडेट आता है मैं आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग से वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट करिए, शेयर ज़रूर करिए, जितने भी LIC के आपके दोस्त लोग हैं, अपने अभिकर्ता साथियों को इसको शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।